महामारी में लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। आज जनपद में नेशनल हाईवे पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पुलिस ने जनपद की सीमा में घुस रहे मजदूरों को रोकना चाहा। हाईवे पर हजारों मजदूरों के आगे पुलिस कम पड़ गई। मजदूर अपने घर जाने के लिए अड़े हुए थे। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने मजदूरों को किसी तरह समझा बुझाकर रोका। फिलहाल हाईवे पर अभी भी हजारों की तादाद में मजदूर मौजूद हैं। चोरी छिपे इधर उधर से निकलकर अमरोहा जनपद की सीमा पर पहुंचे 1 से 1.5 हजार प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने जनपद की सीमा में आने से रोका तो इन प्रवासी मजदूरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नौबत यहां आ पहुंची कि पुलिस और प्रवासी मजदूरों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। रोकने से नाराज विरोध करते हुए कुछ मजदूर हाईवे से गुजर रहे वाहनों के आगे जा लेटे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सीओ मोनिका यादव ने इन मजदूरों को समझा बुझाकर शांत किया। मजदूरों की अधिक संख्या देख पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए और मौके पर मौजूद सीओ मोनिका यादव को भारी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। हालांकि मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक और एडीएम अमरोहा भी पहुंचे। लक्ष्मण कहाँ रहते हैं आप? कहाँ से कितने दिन हो गए यहाँ? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 4 दिन से चलते चलते।